आप देख रहे हैं समय प्रभात। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में आप सफर करते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। बोरीवली जीआरपी ने दो ऐसे शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है जो चलती ट्रेन से फटका मारकर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। बता दें कि दोनों आरोपी सुनील संजय खावड़े, चंद्रशेखर कृष्णा शेट्टी झपटमारी करने के लिए मुंबई आया करते थे। ये दोनों आरोपी दहेसर रेलवे स्टेशन के लास्ट छोर पर खड़े हो जाते, ट्रेन के गेट पर मोबाइल लेकर खड़े लोगों के हाथ पर फटकामार मोबाइल गिरा दिया करते थे और मोबाइल लेकर फरार हो जाते थे। बोरीवली जीआरपी ने इन दोनों आरोपियों को विरार से गिरफ्तार किया और झपटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया। जीआरपी पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से यह जांच कर रही है कि इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं और इन दोनों ने कहा इस तरह के झपटमारी के वारदात को अंजाम दिया है। आइए जानते हैं बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल कदम से। दहिसर रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म में खड़े रह के एक आरोपी ने, जो यात्री ट्रेन के दरवाजे में खड़े रह के सफर कर रहा है या जो यात्री ट्रेन के दरवाजे में खड़े रह के फोन पे बात कर रहा है, उसके हाथ पे फटका मार के उनका मोबाइल गिरा कर चोरी करने वाले दो आरोपी को हमारे बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन की टीम ने 2 दिन पहले उसको अरेस्ट किया है और वो आरोपी से चोरी किया हुआ मोबाइल भी हमारे टीम ने बरामद किया गया। वो आरोपी का नाम है सुनील संजय खावड़े, उम्र है उसका 27 और रहने वाले विरार ईस्ट के है और दूसरा आरोपी है चंद्रशेखर कृष्णा शेट्टी, उम्र 19 साल, ये दोनों भी विरार ईस्ट में रहते हैं। ये दोनों को उनके घर से, मतलब जो विरार ईस्ट में रहते हैं वहाँ से उनको ताबे में लिया और उनको अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं है। इनको एक बहुत आसान लगता है कि किसी की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में खड़ा रहे और जैसे कि ट्रेन पास हो जाती है, बहुत सारे यात्री ट्रेन में सफ़र करते समय दरवाजे में खड़े रह के अपना फ़ोन हाथ में लेके खेलते हैं या अपना फ़ोन से बात करते रहते हैं, तभी उनके लिए बहुत आसान होता है कि जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती है उसी दौरान वो अपने हाथ से उसके हाथ पे फटका मार के उनका मोबाइल गिराना उनके लिए बहुत आसान होता है। तो ये आइडिया इस्तेमाल करके उन्होंने उनका मोबाइल चोरी किया था। तो ये चैनल के माध्यम से ये मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि लोगों ने, यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे में खड़ा रह के मोबाइल हाथ में लेके नहीं खेलना चाहिए या मोबाइल हाथ में लेके फोन पे बात नहीं करना चाहिए जबकि वो ट्रेन के दरवाजे में खड़े रहते हैं। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।